आज हमने पकोड़ों का सालन तैयार किया है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत झटपट। और किस तरह तैयार किया है, क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने। नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप लोगों ने वीडियो को शेयर भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करने हैं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तो चलिए आइए पकौड़ों का इतना मज़ेदार और आसान सा सालन जो है वो तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुश खुर्रम होंगे। आज मैं बहुत यूनिक सा सालन तैयार कर रही हूँ, मेरे साथ साथ रहिएगा। बहुत आसान है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का है, ठीक है? तो ये बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हैं जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बना रही हूँ पकोड़ों का सालन, तो जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन और उसको छान लिया है, ठीक है? छना हुआ बेसन जो है ना वो बहुत आसानी से जो है ना घुल जाता है, हल हो जाता है, लम्स नहीं पड़ते, गुठलियाँ नहीं बनती, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप बेसन को छान लें, बहुत चीज़ें निकलती हैं, वो गंद बला जो होता है वो निकल जाता है, ठीक है? तो 1 कप बेसन लिया है मैंने, छान लिया है उसको। इसमें मैं डालूंगी 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज जो कि मैंने बारीक काटी है, ठीक है? ये मैंने इस तरह प्याज जो है ये मैं प्लेट साफ़ करके डाल देती हूँ क्योंकि चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो प्याज डाल दी है और साथ में ये 1 अदद बड़े साइज़ का आलू छील कर बारीक बारीक से टुकड़ों में काटा है, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मैंने पानी में धोकर उसको छान लिया है पानी को, क्योंकि इसका जो स्टार्च होता है वो निकल जाता है इस तरह, तो अच्छे बनते हैं पकोड़े। तो आलू भी डाल दिए हैं। अब जो मसाले मैं इसमें डालूंगी, 1 चाय का चम्मच है धड़ा मिर्च, और ये बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेके आती है पकोड़ों में। 1/2 चाय के चम्मच से थोड़ा कम है जीरा, 1 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चाय के चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च और नमक आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। 1/2 चाय के चम्मच है पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 चाय के चम्मच से थोड़ी सी कम है अजवाइन, और हसबे जायका नमक 1 चाय का चम्मच फ़िलहाल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मसाले डाले, 1 चाय का चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी, और इसको पकोड़ों की तरह अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए हम पानी लेंगे, रूम टेम्परेचर पर पानी है, ना ठंडा ना गर्म, और इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा सारा नहीं डालेंगे एकदम, क्योंकि पेस्ट जो है वो पतला ना हो जाए, ठीक है? तकरीबन इसमें 8-10 खाने के चम्मच पानी डलेगा बस, और आपका पेस्ट जो है बेसन का, ये देखें गाढ़ा सा पेस्ट हमारा बेसन का जो है वो तैयार हो जाएगा। हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है और नमक चेक कर लेना है यहाँ पर। अगर नमक हमारा सही है तो ठीक है, वरना हम इसमें नमक शामिल कर सकते हैं, चाहे तो मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है? और प्लीज़ साथ साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके तावुन से ही मैं ये काम कर सकूँगी, मेरा चैनल तभी मोनिटाइज होगा जब मैं मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा, और जब वॉच टाइम तभी पूरा होगा जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक करेंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ और बहुत अरसे से कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग तावन करें, वीडियो को शेयर भी करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, और नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पेस्ट तैयार करके हम साइड पर रख लेते हैं जी। अब हम तैयार करते हैं मसाले के लिए तो चीज़ें। तो ये 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज मैंने काट लिया, 3 अदद हरी मिर्चें हैं, ये हम डालते हैं ग्राइंडर में, और इसका बनाते हैं पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया है, ठीक है? झटपट सी रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यूनिक सी रेसिपी है। कोई सब्ज़ी, कोई दाल खाने का दिल ना चाह रहा हो या घर में कुछ दस्तियाब ना हो तो आप ये फटाफट बना सकते हैं, ठीक है? तो अब इसको पेस्ट बना लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। अच्छा जी, प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट भी बन गया है और लहसुन अदरक भी पीस गए हैं। तो अब हम पकोड़े जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। पहले पकोड़े बनाकर हम साइड पे कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है घी गर्म होने के लिए, और घी जो है ना वो अच्छा सा गर्म हो भी गया है, ठीक है? तो छोटे छोटे से पकोड़े तलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूसरी बात ये कि इसमें मैंने सोडा जो है, जो खाने का सोडा पकौड़ों में अमूमन डाला जाता है, तो वो मैंने इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हम पकोड़ों का सालन बना रहे हैं तो पकोड़े जो हैं वो इसमें घुल जाएंगे। तो आप भी इसमें सोडा जो है वो इस्तेमाल नहीं करें। आम खाने के लिए जब पकोड़े हम बनाते हैं तो हम उस वक्त जो है वो सोडा शामिल करते हैं,
लेकिन जो सालन बनाएंगे हम उसमें सोडा शामिल नहीं करेंगे ताकि हमारे पकोड़े जो हैं वो घुल ना जाएं सालन में। ठीक है जी, ये देखें ये छोटे छोटे पकोड़े जो है ना ये मैं फ्राई कर लेती हूँ और मीडियम फ्लेम पर करेंगे ताकि पकोड़े अंदर तक अच्छे से गल जाए, पक जाए। तो जितनी गुंजाइश थी कढ़ाई में मैंने उतने पकोड़े इसमें जो है वो डाल दिए हैं। अगर आप बहुत कम फ्लेम पर पकाएंगे तो पकोड़ों के अंदर घी चला जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो आपके पकोड़े जो हैं वो जल जाएंगे, उनकी रंगत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो आपने हीट का जो है ना वो बहुत ख्याल रखना है। और किसी ने सच कहा है कि खाना पकाना जो है ना वो आग और पानी का खेल है। ठीक है, इसमें आग और पानी में से कोई भी चीज़ कम ज़्यादा हो जाए ना तो आपकी चीज़ ख़राब हो सकती है। ठीक है, आग से भी आपके खानों का टेस्ट ख़राब हो सकता है। ठीक है, सिर्फ मसाले ही नहीं है जो आपके खानों के टेस्ट को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, आग और पानी भी आपके खानों के टेस्ट और शक्ल को जो है ना वो बनाती और बिगाड़ती हैं। ठीक है, तो आपने ख्याल रखना है, मीडियम फ्लेम पर आपने पकाने हैं। ये देखें जिस तरह का ये फ्लेम है मैंने रखा हुआ है और पकौड़े जिस तरह पक रहे हैं, बस इतनी फ्लेम आपने रखनी है। इससे कम या इससे ज़्यादा जो है ना वो पकोड़ों का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। पकोड़े अजीब, अगर आप कम फ्लेम पर पकाएंगे अजीब लजलजे से पकोड़े बनते हैं और उसमें घी जो है वो बहुत ज़्यादा जज्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये देखें इस तरीके से ना आपने पकोड़े फ्राई करने हैं, सुनहरी कर लें, रंगत जैसी आप रखना चाहते हैं वैसी रंगत रखें, लेकिन आग ना करें आपके पकौड़ों की रंगत को वैसा जैसा आप नहीं करना चाहते। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं उस तरीके से आप मीडियम फ्लेम पर रखते हुए वैसी रंगत करके और पकोड़ों को बाहर निकाल लें। ठीक है जी, ये पकोड़े जो हैं हमारे रेडी हो गए हैं, हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, माशाल्लाह देखें कलर इनका जो है बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो इसी तरीके से ना आपने तमाम पकौड़े तैयार करके जो है ना वो साइड पर रख लेने हैं। ठीक है जी, ये देखें बड़ा प्यारा सा कलर है। तो तमाम पकोड़े इसी तरीके से बनाकर हम तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने रखा है एक देचकी में घी गर्म होने के लिए, घी गर्म हो गया है, एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मानो घी। ठीक है, ये हमने डाल दिया, एक दो मिनट इसे कर लेंगे, बस ब्राउन ब्राउन नहीं करना, बस कच्चापन ख़त्म करना है। ठीक है बस, और अब हम जो हमने हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट बनाया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो शामिल कर देते हैं और इसको दो तीन मिनट जो है वो फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, प्याज जो है वो हमारी हो गई है ब्राउन, ये देखें रंगत बदल गई है। तकरीबन 5 मिनट लगे हैं स्लो फ्लेम पर, आपने फ्लेम को हाई नहीं करना, मीडियम से थोड़ा कम ही रखना है स्लो की तरफ। तो देखें माशाल्लाह प्याज जो है हमारी हो गई है फ्राई। तो हम इसमें डालते हैं आधा कप दही, दही को फेंट दिया था मैंने। ठीक है जी, ये देखें इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सालन तैयार होगा आपका। तो अब हम जो फ़िलहाल मसाले डालेंगे, एक चाय के चम्मच के करीब है नमक, कम है थोड़ा उससे, आधी चाय के चम्मच हल्दी है और आधी चाय के चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा है लाल मिर्च पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी फ़िलहाल ये डालेंगे। बाकी जो है नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से डाल लें जितना आपको अच्छा लगता है, बाकी मसाले मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ रहिएगा मेरे, वॉच करें पूरा वीडियो को, आपकी मदद दरकार है मुझे। तो स्लो फ्लेम पर हम इसको करेंगे फ्राई और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा पानी भी शामिल करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है, ताकि मसाला जले ना, क्योंकि हमने इसकी प्यारी सी रंगत रखनी है। अच्छा जी, आधी चाय की चम्मच दड़ा मिर्च भी शामिल करेंगे रहीम और इसको भून लेंगे, 3 से 4 मिनट भूनेंगे ताकि मसाला जो है अच्छा सा फ्राई हो जाए हमारा, घी छट जाए और इसकी रंगत ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसकी प्यारी सी रंगत होनी चाहिए, इसीलिए मैंने दही डाली है, वरना आप टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, दही से जो है ना वो रंगत थोड़ी हल्की होती है टमाटरों की निस्बत,
जी अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छा सा हो गया ट्राई। ठीक है, ये देखें अब हम इसमें हसबे ज़रूरत पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन 2 से 2.5 गिलास मैं इसमें पानी डालूँगी। दो गिलास पानी डाल दिया है, इसमें बॉयल आने देंगे हम। अच्छा जी, बॉयल आ गया है पानी में और अब हम इसमें डालते हैं 1/2 चाय की चम्मच साबुत धनिया दरदरा कर लिया है, 1 चाय की चम्मच जीरा दरदरा कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस टाइम ये चीज़ें डालने से खुशबू जो है ना वो दुबाला हो जाती है। ठीक है, 1 से 2 मिनट पकने देंगे। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए और अब हम इसमें पकोड़े शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पकोड़ों ने जो है ना ये शोरबा जो है वो चूस लेना है और आपने इतना रखना है कि आपके पास जितनी ग्रेवी आपको चाहिए वो मौजूद हो। तो अब हमने ये करना है कि हमने ढक्कन इसके ऊपर रख देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बस, और फ्लेम को जो है ना स्लो कर देना है। 2 मिनट हो गए हैं, देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें अब हम इसमें गरम मसाला छिड़कते हैं। 1/2 चाय की चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला हम इस पर छिड़क कर इसको मज़ीद 2 मिनट का दम लगाते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारा पकोड़ों का सालन, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और बहुत झटपट हमने बना लिया। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा करें। वॉच टाइम की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और वीडियो को शेयर भी करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।